आदिवासी सरपंच की पीड़ा कराहल जनपद में दलाली के चक्कर में नहीं किया जा रहा है मेरा भुगतान, मुझे अब कलेक्टर के सामने इस्तीफा ही देना पड़ेगा। खबर कराहल जनपद पंचायत से है, जहां करियादेह पंचायत के सरपंच मनीराम आदिवासी ने जनपद पहुंचकर अपनी पीड़ा व्यक्त की है। सरपंच ने कहा कि सहायक सचिव और जनपद सीओ आपस में मिलकर मुझे परेशान कर रहे हैं। कई बार कराहल सीओ ने रोजगार सहायक की शिकायत कर चुका है, मगर सीओ साहब उनसे मिले हुए हैं और मेरी कोई सुनवाई नहीं करते हैं। इसी के साथ सरपंच ने जनपद अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि करियादेह पंचायत में मेरे द्वारा करवाए हुए नरेगा में निर्माण कार्य का दलाली के चक्कर में भुगतान नहीं किया जा रहा है, जबकि पूर्व में कई घटिया और अधूरे निर्माण कार्यों का भुगतान साठ काट कर अधिकारी द्वारा कर दिया गया है, जिसकी यदि आज भी जाँच करवा दी जाए तो सारा घोटाला सबके सामने आ जाएगा। सरपंच ने बताया कि वह आदिवासी समाज से आते हैं, इसलिए उन्हें अधिकारी अनपढ़ गवार समझते हैं, कोई तवज्जो नहीं देते हैं। सीओ साहब तो सचिव और रोजगार सहायक से ही मिलकर पंचायत चलाना चाहते हैं, जब ऐसा ही करना है तो हमें क्यों चुना गया है। फिलहाल तो सरपंच मनीराम अपने आप को इतना प्रताड़ित बता रहे हैं कि कलेक्टर के समक्ष इस्तीफा देने तक की बात क्या रहे हैं। आपको बता दें कि ये कोई पहला मामला नहीं है जब जनपद पंचायत अधिकारी पर भ्रष्टाचार और लापरवाही के आरोप लगे हैं। इससे पहले भी एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसमें जनपद सीओ के नाम से कमीशन के लेनदेन की बात साफ और स्पष्ट सुनाई दे रही थी। अब देखना यह होगा कि भ्रष्टाचार का केंद्र बन चुके जनपद प्रबंधन पर जिला अधिकारी क्या एक्शन लेते हैं। देखिए कराहल संवाददाता अमित कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जी क्या नाम है आपका? मनीराम। क्या है आप? सरपंच हूँ करियादेह पंचायत से। यहाँ जनपद आयो क्या परेशानी है? मेरे काम को भुगतान नहीं हो रहा, नरेगा वाला क्यों नहीं हो रहा है? परसेंट मांगे जा रहा, रोजगार सहायक सीओ साहब सब क्यों के भ्रष्ट चल रहे पूरे कर्मचारी। सीओ साहब परसेंट मांग रहे हैं तो सब ही है, क्यों का रोजगार सहायक की तो वे मान का चल रहे, नहीं तो कभी के हटा देते। अच्छा, तो आपने क्या मतलब रोजगार साहब को हटाने की बात कही थी? हाँ, मैंने दो पांच बार कलेक्टर साहब का जनसुनवाई लगवाई है, हटाए नहीं जो कोई कर्मचारी। कौन से जो नए कलेक्टर साहब आए उनके पास? नहीं, पुराने के पास। अच्छा, अब मैं जाऊंगा जो नए कलेक्टर आया इसके पास लगाने, क्योंकि मैं आदिवासी सरपंच हूँ, इसलिए मुझे टारगेट किया जा रहा है। तो क्या आदिवासी सरपंच होना क्या गुनाह है क्या? हाँ गुनाह ही है, क्योंकि हम क्यों बनाए गए फिर? तो उन्हें रोजगार सहायक को रख लेते, सेक्रेटरी को रख लेते, क्यों चुने गए हम सरपंच? हम अनपढ़ है तो हमारे मजाक उड़ा जा रहा है, क्योंकि हम अनपढ़ देख लगे कि आदिवासी क्या जाने। तो क्या कह रहे हो मतलब पंचायतों में आदिवासी सरपंच का इस्तेमाल किया जा रहा है? और कहा, क्योंकि वो जान रहा किया कि अनपढ़ आदिवासी बन गए जी, इसलिए हमारे मजाक उड़ा जा रहा हूँ। यहाँ भी मैं जनपद में फिर चुको दो चार बेर, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्यों मतलब क्या वजह है, क्यों नहीं आपका मतलब भुगतान हो रहा? क्योंकि रोजगार मुझे नहीं समझ रहा कि सरपंच कौन होता है। अच्छा, मतलब आपके पद को महत्वता नहीं दी जा रही? हाँ। कौन काम करा रहा है वहाँ पे? मैं स्वयं करा रहा हूँ खड़ा होकर। क्या काम करवा दिया आपने? मैंने तीन चार स्टाफ मैन बनाए, मेरे लेबर को कोई भुगतान नहीं हुआ अभी। अच्छा, अभी तक बिल्कुल भुगतान बिल्कुल नहीं हुआ मेरा। क्या आप ही का भुगतान नहीं हुआ या कभी भुगतान ही नहीं हुआ इस पंचायत में? और तो आगे खूब बढ़िया भुगतान भाया, अब मेरा ही भुगतान नहीं हो रहा। अच्छा, जो भुगतान पहले हो चुके वो काम कैसे थे? वो ऐसे ही काम डरे अभी, यदि डरे उन लोगों का काम तो भुगतान पूरा हो गया। हाँ, भुगतान पूरे हो चुके हैं अब इनके काम इनके। तुमने जो काम कराए हैं क्या वो काम खराब है क्या? नहीं, बिल्कुल कोई भी जा देख सकता मेरे काम में, क्योंकि मैंने बढ़िया काम कराया खड़ा होकर। तब मैं सरपंच नहीं है तो तब तो खूब भुगतान भय मेरी पंचायत के, और मैं एक गरीब सरपंच आदिवासी बन गया तो मुझे कोई भुगतान नहीं कर रही मेरा। तो अब यदि आपके भुगतान नहीं होते हैं सरपंच साहब किन्हीं कारणों से, क्या करेंगे आप? अगर मेरे जो भुगतान नहीं हुए तो मैं इस्तीफा दे कलेक्टर साहब का जाऊंगा फिर। अच्छा, इस्तीफा देने तक? हाँ, आ रही है सब मेरी, परेशान हो गए हैं। हाँ, मैं परेशान हूँ, मैं करियादेह पंचायत सरपंच। अच्छा, तो यानी मिली भगत चल रही है? और का मिली भगत तो चल ही रही है, तब तो मैं परेशान ही हूँ।